जो कुमाऊनी शादियों में जो बेटी और बहनों को गिफ्ट्स दिए जाते हैं वो ये अधिकतर ये दिए जाते हैं, जैसे साड़ी हो गया, मिठाई का डब्बा हो गया। मिठाई का डब्बा तो हमने खा लिया है, बाकी ये एक पीतल की परात दी जाती है, तो ये बहुत फेमस है, मतलब यहाँ पे जरूर दिया जाता है, ये रिवाज है यहाँ पे, और यही ज़्यादातर अधिकतर गिफ्ट्स दिए जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉनी ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं बारात में, और अभी मैं अभी छोटी सिस्टर की वहाँ थी तो आपको बताया था, जैसे मैं निकल के हम छोटी सिस्टर के वहाँ रुके हुए थे, तो अभी हम सब जा रहे हैं। छोटी सिस्टर जा रही है मेरी, और उससे बड़ी सिस्टर भी जा रही है। हेलो हेलो बोलो, और ये आप भी बोलिए हेलो। और ये उनके बच्चे हैं, एक ये बड़ी वाली का है और ये इसकी छोटी सिस्टर है, और ये हमारी सबसे छोटी हेलो बोलो अनन्या छोटी सिस्टर की बेटी है। तो आप बोलेंगे कुछ अनन्या जी? क्या बोलेंगे आप, बोलिए। हेलो बोलेंगे, ओके चलो ठीक है। तो अभी हम निकल चुके हैं और हस्बैंड हमारे साथ जा रहे हैं गाड़ी गाड़ी लेके, बाकी सवेरे मेरा ब्रदर मम्मी पापा को लेके चला गया। ये हस्बैंड है मेरे। हेलो गाइस, तो गाइस हम जहाँ पे घर था वहाँ पे तो हम लेट हो गए, तो हम आधे रास्ते में इनसे मिल लिए, मतलब यहाँ पे इनकी गाड़ी सबकी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तो हमने यहीं पे शामिल हो गए हम लोग। तो यहाँ पे से फिर हम सब लोग यहाँ चाय नाश्ते का इंतजाम है थोड़ा वो करके, फिर हम आगे निकलते हैं। तो गाइस ये है, ये पूरा एरिया थोड़ा गांव जैसा दिख रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, हम गेस्ट हाउस आ गए थे, और सब कुछ पापा बताएंगे क्या आएगी। सच में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी शादी में, तो हमें वहाँ से वो प्लान स्किप करना पड़ा, जो शादी में जो दुल्हन आती है, तो हमने दुल्हन का कुछ नहीं वाला प्लान नहीं देख, मतलब वो चीज़ सारा प्रोग्राम नहीं कर पाए, और हमें यहाँ सीधे गेस्ट हाउस में आना पड़ा, जो ये कहाँ पर है, पंतनगर यूनिवर्सिटी के पंतनगर यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल गेस्ट हाउस। तो इस चक्कर में हमें यहाँ आना, रात को हम जाएंगे रिसेप्शन में, तब उसके लिए हम फिर से तैयार होंगे। तो सच में गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरे हाल हो इस गेस्ट हाउस में, ये एसी भी उधर वहाँ पे हम पंखा चला रहे हैं पूरा, सच में वहाँ पे बिल्कुल मतलब बर्दाश्त से बाहर था, इतनी गर्मी हो गई थी। तो हम तो सीधे घर आ गए, क्योंकि गांव की शादियों में थोड़ा ऐसे ही होता है, क्योंकि पंखे भी क्या कह सकते हैं, साधनों की कमी होती है, तो हमें वापस से फटाफट भागना पड़ा। तो हम यहाँ आ गए गेस्ट हाउस रेस्ट करने के लिए। तो गाइस हम अब तैयार हो चुके हैं रिसेप्शन के लिए, अब हम रिसेप्शन के लिए हम सब जा रहे हैं।
और मैं गेस्ट हाउस से यहाँ पे सिस्टर के वहाँ आ चुकी थी, वहाँ हम रेडी हुए क्योंकि मेरा सारा लगेज वगैरह वहीं रखा हुआ था, तो फिर अब हम रेडी होके निकल रहे हैं। गर्मी बहुत होती है यहाँ गांव में, तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो बाकी सब कुछ अच्छा था, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है कुमाऊनी शादी का, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।